जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम पश्चिम यमुना नहर के नज़दीक जो सातड़ी बडेड़ी और जैनपुर के गांव है उनकी आपको तस्वीरें समय दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जो इरिगेशन विभाग द्वारा आपको बता दें इस समय ये पश्चिम यमुना नहर है और इससे लगते हुए जो एक ड्रेन बनाई गई है ताकि जो रिसाव है जो तो इस समय रिसाव है वो खेतों की तरफ ना जाए, उसी को लेकर के एक ड्रेन बनाई गई थी ताकि इसमें जो पानी है वो आगे चला जाए, खेतों में ना जाए। और खेतों में इस समय आप देख सकते हैं जो सातड़ी बडेड़ी और जैनपुर से लगते हुए इस समय नदी के लगते हुए खेत हैं उनमें इस समय आप देख सकते हैं दूर दूर तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पानी पानी आपको इस समय नज़र आएगा। फसलें इस समय यहाँ पर बर्बाद हो चुकी हैं। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के ग्रामीण वो इस समय जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही हैं पश्चिम यमुना नहर से लगते सातड़ी बडेड़ी और जैनपुर के लगते जो गाँव हैं उसकी, और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर के। गांव के ग्रामीण मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से इरिगेशन द्वारा यहाँ पर खुदाई चल रही है, पानी जो है इधर खेतों की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे वो भी जानने का प्रयास करेंगे। इस समय आप ग्रामीणों को देख सकते हैं जो जैनपुर के हैं, बडेड़ी और सातड़ी से हैं। इस समय जो ग्रामीण हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है पूरा मामला और जिस तरीके से खेतों में पानी है। भाई साहब क्या नाम है आपका पहले तो? सतीश कुमार है जी नाम। अच्छा, तो ये जो इरिगेशन द्वारा खुदाई चल रही है इससे खेतों में पानी जा रहा है, क्या मामला है पूरा? हाँ जी हाँ जी, ये जो पहले सूखे में तो खुद जानती जी है हमारा खेतों में पानी नहीं आवा था, ये आज खड़े होगा चौमासे में जब नुकसान हो लेगा तब इसने खुद दड़ावेंगे, उससे पहले नहीं आने के, जबकि एप्लीकेशन अभी दे रखी हमने सारा कुछ कर रखा, तो जब आवेंगे जब नुकसान हो लेगा और इसमें पानी भर जाएगा फिर मशीन लेकर खड़े हो जाएंगे, इसमें दस जाएगी मशीन नहीं चलती, नुकसान राजस्व नुकसान है बस और तो कुछ नहीं। हाँ। सरकार का नुकसान हो रहा है, इसमें घंटे बनाओ जाए लगे और काम होता नहीं, यहाँ दस का खड़ी होगी तीन चार दिन यहीं खड़ी रही मशीन भी इस खड्डे में, तो मनरेगा मजदूर भी लगाए गए थे इसमें। बस पहले जेई साहब बोला थे अजय नाम का, वो बोल रहे थे भाई एस्टीमेट बनाने जा रहा, जब भी फोन करो एस्टीमेट बनाने जा रहा, जब और चमासा लग गया बरसन फिर लग गया कहन भाई हम तो मनरेगा के तहत इसना खदवावेंगे, मनरेगा के मजदूर लगावेंगे इसमें साफ करेंगे, वो भी नहीं बेचारे वो कहाँ से साफ कर देंगे जी जब इसमें पानी भर गया, इब पानी भरने भी बाज के बेचारे पानी ये खड़े इसमें पानी अग्गा चलता नहीं। तो कितना नुकसान है अभी जो पानी, तो देखो जी सातड़ी के हैं 20-30 किले, सातड़ी के हैं, जैनपुर के हैं जी 40-50 किले और बडेड़ी के भी हैं, इस पर आगे फूसगढ़ के भी हैं। कितना कितना पानी है तुम इसमें? पानी देखो सामने देख रहे दिखा सकते हो जी आप, इसमें तो तीन फुट के करीब पानी है जी इसमें, तो मतलब कि फसलें जो है खराब हो सकती है। फसल हाँ फसल तो नुकसान होगी, सड़ गई अंदर ताला नीचे रहेगी, सड़ गई तो फसलें जो हैं सड़ चुकी हैं, क्योंकि पश्चिम यमुना नहर के नज़दीक लगते जितने खेत हैं चाहे वो बडेड़ी के हैं, जैनपुर के हैं या सातड़ी के हैं, वो ग्रामीण इस समय रोष है उनमें क्योंकि उनकी जो फसल है वो बर्बाद पानी की वजह से होती नज़र आ रही है। कुछ और ग्रामीण हैं उनसे जानेंगे, क्या नाम है जी आपका? रघुवीर सिंह सैनी। कहाँ से हो जी? जैनपुर से। अच्छा, क्या मामला है जी ये खेतों में जो पानी है ये क्या मामला है? ये इसका सेम का पानी जो आवा जी, यो पानी और कुछ थोड़ी सी बरसात हो जा इसका पानी जिस टाइम तक कम आ रहा तो जितनी भी फसल खर्चा करे कम से कम एक एक किले पा 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपए का खाद खुदाई नड़ाई सब करवा दिया, और उसके बाद फिर यानी सरकार ने जितने बार जहां गए हम इनके पास इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा। सुनवाई नहीं करी, जेई पर गए और पर गए बड़े बड़े अफसरों पर गए मारे थे तो उरा का आ गया जी कल्ला, आए नहीं 20 दिन फिर हम जहाँ फिर कहा जी आ गए कल्ला फिर नहीं कोई आवा, ये भी इस वजह से फसल सामने नजर आ रही है देखो आप, यानी कम से कम इसमें 3-3 फुट पानी और फसल बिल्कुल ये नहीं खा सकता फसल इसके अंदर लगाई थी लागत गई, और लागत अलग है और जो खेतों के ठेके हैं वो भी अलग है। तो इरिगेशन के जो अधिकारी हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? बिल्कुल, जोर से मारे अपने खेत भी हैं वो इसके अंदर है जिन माते मतलब पानी ना हम कहाँ निकालना कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ यो नाला खुद जा एक घूट भी पानी की नहीं भरा जाते, 50 ग्राम पानी नहीं जा सकता उधर। तो फिर ये सफाई क्यों नहीं करते? सफाई के लिए तो हमने पिछले साल भी आए साल हम जगह खड़े हो जहाँ महकमे के पास, हमने क्या पता था भी कौन सा महकमा आयो, फिर महकमे का हमने पता लगा हम इनके पास गए, फिर हमने यहाँ तक की सोच ली कि हम पंचकूला भी जाएंगे, फिर हमने ये सोचा कि भी मारे को वहाँ कौन पूछेगा जब यही नहीं पूछ रहे,
जब ये हमारे को पूछांगे या हमारा कोई काम संवारांगे तो हमारा फिर नरवा हो जाएगा, जमींदारा कुछ खड़ा हो जाएगा। है जी, कल जैनपुर गांव में मनोहर लाल आ रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उनके सामने अपनी समस्या रखेंगे या उनके डर से आज ये खुदाई वगैरह? नहीं, डर नहीं जी, खैर काम तो इनका चल रहा है कई दिन से, ये बात नहीं है, 5-6 दिन से काम चला रखा है इन्होंने। जेबीसी उससे पहले नरेगा बुलाए, नरेगा ने लवे लवे तो करी, अंदर नहीं बढ़े, जिसकी वजह से पानी सारा रुक गया। अगर जो मशीन पहले शुरू में आ जाती तो उस टाइम ही कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो फिर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखोगे आप लोग? बिल्कुल रखेंगे, जो नहीं काम होगा हमारे तो फिर तो हम तो रख ही रखेंगे। हाँ, और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानेंगे क्या समस्या हो रही है, किस तरीके से जो पानी है खेतों में भरा है, क्या कुछ कहेंगे जो खेतों में आपके फसलों में पानी भर चुका है। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील है, गांव मेरा बडेड़ी है जी। देखो जी, ये तो पिछले साल से ही हमारी समस्या चल रही है जी। पिछले साल भी हमने इनको बहुत बार मिले गए, कंप्लेंट भी करी, अब की बार भी करी। पिछले साल इन्होंने इसमें मशीन जब पूरा पानी आ गया था उसके बाद पानी के अंदर ही मशीन चलाई थी पिछले साल भी। तो इसकी जो नाला है, ये चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री भूतपूर्व, उनके टाइम में बना था, और भीमसेन मेहता जी हमारे उस समय मंत्री थे शायद किसी चीज महकमे के, उनके समय में ये बना, उन्होंने बनवाया था, ये बकायदा कागजों में है। इसकी 7 फुट की चौड़ाई है और 4.5 फुट की गहराई है, मतलब इसकी जो इसका जो एरिया है वो इतना बताया कि जो इसका एरिया है 7 फुट की इसकी चौड़ाई है जी। हाँ। और 4.5 की गहराई है। अभी अभी मौके पर कितने? देखो ये कहीं कहीं ना जी, देखो ये आपके सामने है, यहाँ पे तो ये मशीन ने साफ कर दिया, यहाँ तो बना दिया इसने 7 फुट। हाँ। आप आगे जाओगे, अगर हमारे गाँव बडेड़ी में जाओगे या फिर आप फूसगढ़ में जाओगे, वहाँ पे 2 फुट भी रह गया, बहुत जगह 2 फुट रह गए, और गहराई तो इसकी 1.5 फुट ही है जी। कहने का क्या मतलब है, अभी इरिगेशन के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये फसलों में पानी गया? जी बिल्कुल है जी, इसमें बिल्कुल इनकी लापरवाही है जी। अच्छा। क्योंकि हम समय रहते पिछले साल भी हमारे साथ यही बना था, पिछले साल इन्होंने सिर्फ ये कह दिया था कि एक एक इन्होंने एक एक बकेट यानी 2-2 फुट की चौड़ाई में सिर्फ इसके नाले को बना दिया दुर्लभ। तो चलो उससे हमारा बहुत पूरा समाधान तो नहीं हुआ, पर ये कोई हमारा काम चल गया, किसी तरह हमने फसलें रो के काट लिया अपनी। पर इनको एक कहा है कि आप लोग इसको अब की बार जैसे गेहूं की कटाई होती है उसके बाद इसकी सफाई का कार्य इसमें लाना है अपने। ठीक है। और इनके पास एप्लीकेशन भी डाल ली, एप्लीकेशन दिखाना जरा एक बार, कौन सी आपने एप्लीकेशन दी है तो देख सकते हैं दोस्तों। इस समय जो सिंचाई विभाग करनाल को रैक्सन साहब के नाम ये लिखी हुई है कि इसमें साफ तौर पर लिखा कि सेम व बरसात के पानी निकासी बारे लिखा गया है, जिसमें 7D बिडेड़ी जैनपुर कैरबा तो इस तरह के जो इंद्री हल्के के गांव हैं उनमें जो पश्चिम यमुना नहर के नज़दीक लगते जो खेत हैं उनमें बरसाती पानी का जो सेम है वो नाला जो निकाला गया है उसके रिसीविंग भी देख सकते हैं दोस्तों। जो सिंचाई विभाग को दी गई है, जो लेटर दिया गया है उसकी रिसीविंग बकायदा दी गई है, किस तारीख को है, 2/6 को ये दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इस नाले की पूरी तरीके से सफाई हुई है। खेतों में आप अगर दूर दूर तक आपको दिखाऊं तो इस समय खेतों में देख सकते हैं पानी आपको नजर आएगा, और ये किसकी लापरवाही है ये भी जांच का विषय होना चाहिए। जिस तरीके से कल जनसंवाद कार्यक्रम में मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार पहुंच रहे हैं, जो गांव जैनपुर 7D बडेड़ी के जो किसान हैं वो उनसे मुलाकात भी करेंगे, और जिस तरीके से ये एप्लीकेशन है देखिए सीएम विंडो में भी ये एप्लीकेशन लगाई गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या लगता है? अच्छा एक बात बताओ जी, जो ये इस समय नहर का जो पानी आ रहा है खेतों में चला गया तो इसका कोई मुआवजा भी देते हैं? अब तक तो मिला नहीं जी। कितने साल हो गए इसने? तो जी मेरे ख्याल का जी दूसरा सीजन है, मेरे ख्याल का वैसे तो 20-25 साल हुए यो मंजूर हो, अभी यो खुदया 30 साल भी हो सका, और फिर मुआवजा तो एक बार नहीं, ना ही यह कंडीशन आई, पिछले साल आई थी यह कंडीशन, जिसकी वजह से जिमींदार दबका बिल्कुल ही, कम से कम भी एक छोटे से छोटा जिमींदार भी लाख रुपए के लॉस में है इसमें फसल नुकसान होने की वजह से। तो फसल नुकसान की वजह से काफी नुकसान जरूर है, क्योंकि जो पश्चिम यमुना नहर का पानी है वो सेम होने की वजह से, नमी आने की वजह से खेतों में चला जाता है। समय पर अगर इस नाले की सफाई हो जाती तो इन खेतों में पानी नहीं जाता, ऐसा ग्रामीण आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ और ग्रामीण है, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्या आप कहना चाह रहे थे इस बारे में? ऐसा जी, इन सारी चीज बात कर ली थी इन, देखो जी माना फोन करे जी, अप्रैल के महीने में इनके पे पीछा पड़ना शुरू हो गया, बोले हम कंप्यूटर बैठे हैं इसी का सिस्टम बना रहे हैं, ये कहा कि
ये बस इसका काम कर देंगे मनरेगा में। मैं इनसे एक ही बात कही थी भाई साहब, मगर 5 किलोमीटर का एरिया है, 7 फुट की चौड़ाई और 4.5 की गहराई, मगर अगर आपके मगर 200 बंदे 6 महीने भी काम करेंगे 200 मनरेगा वाले, तो भी वो काम निमट देने सर पा। मगर इसमें हम टाइम पे मशीन बांट लो, ये भी तो बढ़िया मशीन आपके सामने खड़ी आया, ये दोस्तों दे सकते हैं मशीन इस समय यहाँ पर। क्या 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 करें, ये 2 दिन मशीन यही दलदल में बैठी रही है, ये मतलब फंस चुकी थी बड़ी मुश्किल से। ये कबाड़ा कितना है इसमें, इसमें पता क्या जी, जब ये नहर चौड़ी हुई थी पहले, ये अभी पत्थर की इसकी ये साइडें बनाई है, उस समय चौड़ाई इसकी चौड़ाई करी थी नहर की, तो अंदर से जो मटेरियल था वो निकाल के यहाँ पट्टी पे ऊपर ढेर लगा दिए थे बहुत ज्यादा, कुछ मट्टी उन्होंने दाएं बाएं वैसे फेंक दी और कुछ ऐसे, इसी वजह से नाला टाजी है। तो दोस्तों इस समय आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं पश्चिम यमुना नहर के लगते खेतों की, जहां पर एक नाला है जिसमें सेम नहर में सेम आने की वजह से इसमें नाले में ये पानी चला जाता है। आप पानी भी इस समय दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले खेतों में आप दे सकते हैं, कहीं कहीं फुट तक इस समय पानी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पानी इस समय सेम की वजह से नाले में और नाले की सफाई ना होने की वजह से अब ये खेतों की तरफ जाता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इरिगेशन विभाग को भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से अगर समय रहते इसकी सफाई नाले की कर दी जाती तो किसानों को, जो फसलें हैं किसानों की, उनको नुकसान नहीं होता। ऐसे ही ग्रामीण यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि कब तक इन पर कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय फसलें जो हैं किसानों की वो खराब होती नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय पश्चिम यमुना नहर से पंकज कुमार।